संजय बारू की कॉन्ट्रोवर्शियल बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर फिल्म बन रही है और आज हम इस वीडियो में फिल्म के कैरेक्टर्स का ब्रेकडाउन करेंगे जिससे आपको पता चले कि कौन कौन से कलाकार इस मूवी में काम कर रहे हैं। 2019 में आने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले यानी दिसंबर 2018 में ये मूवी रिलीज होगी जो शायद शाहरुख खान के जीरो से क्लैश हो सकती है। अगर आप भारतीय राजनीति में दिलचस्पी रखते हो तो ये वीडियो पूरा देखना। शुरुआत करेंगे बुक के राइटर संजय बारू से। संजय जी 2004 से 2008 तक हिंदुस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी के मीडिया एडवाइजर और चीफ स्पोक पर्सन थे। ये किताब उन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव के दरमियान रिलीज की थी जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत खुलासे किए थे, कुछ कांग्रेस लीडर्स पे बड़े सवाल और आरोप भी किए थे। अनडाउटली इस बुक ने बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी थी और मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी के साथ भी ऐसी हो सकता है। संजय बारू की भूमिका में दिखेंगे अक्षय खन्ना। मॉम और इत्तेफाक के बाद शायद इस रोल से वो दमदार परफॉर्मेंस की हैट्रिक पूरी कर दे। श्री मनमोहन सिंह जी की भूमिका में दिखेंगे अनुपम खेर। अनुपम खेर बॉलीवुड के बहुत पुराने और पक्के खिलाड़ी है पर फिर भी मनमोहन सिंह जी को निभाना उनके लिए एक चैलेंज होगा क्योंकि हर नेता का अपना एक अंदाज होता है, एटीट्यूड होता है और बोलने की शैली होती है। मगर हम सब जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी वैसे नहीं थे, वो बहुत ही शांत स्वभाव के नेता थे। अब ऐसी स्थिति में अनुपम सर का परफॉर्मेंस देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उन दोनों की राजनैतिक विचारधाराएं भी अलग अलग है। उनकी पत्नी गुरुशरण कौर जी की भूमिका में दिखेगी दिव्या सेठ। 1984 में हम लोग इस दूरदर्शन के सीरियल से डेब्यू करने वाली दिव्या मैम ने एक जमाने में शाहरुख खान के साथ भी स्टेज शेयर किया था। फॉर्मर इंडियन कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी जी के रोल में दिखेगी सुजैन बर्नेट जो कि जर्मनी से बिलोंग करती है और उनके बोलने का तरीका हूबहू सोनिया जी जैसे ही है। आप उनकी ऑडिशन की क्लिप यहाँ पे देख सकते हो। साथियों, पिछले 6 वर्षों में मेरे मन में एक बात हमेशा साफ रही है और मैं कई दफे कह भी चुकी हूँ कि मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है। राहुल गांधी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अर्जुन माथुर जिसे हम अक्सर टीवी एड्स में देखते हैं। आहाना कुमरा जो हाल ही में लिपस्टिक अंडर माय बुरखा मूवी में दिखी थी वो भी इस मूवी में है और वो प्रियंका गांधी का किरदार निभाएगी। 2004 के मनमोहन जी के ओथ सेरेमनी के सीन में इन तीनों को एक ही फ्रेम में दिखाया गया है। श्री पीवी नरसिंह राव जो प्रधानमंत्री थे तब मनमोहन जी अर्थ मंत्री थे और दोनों ने मिलकर इंडियन इकोनॉमी के लिए फायदेमंद ऐसी बहुत पॉलिसीज इंप्लीमेंट की थी। मूवी में अजीत सात भाई नरसिंह राव के भूमिका में दिखेंगे। बाकी सब कास्टिंग 19-20 होगी मगर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भूमिका में श्री भारद्वाज जी लिटरली उनका ह्यूमन क्लोन लग रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। हिंदुस्तान में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके श्री नरेंद्र मोदी तक 14 प्रधानमंत्री हुए हैं। इनमें से आपके फेवरेट प्रधानमंत्री कौन है और क्यों ये जरूर कॉमेंट करना। पॉलिटिकल ड्रामा जिन्हें पसंद है और हमेशा पॉलिटिक्स की बातें करते रहते हैं ऐसे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है।